अभी पाइपर का जो हमारा टीजर वीडियो देखने के बाद में अभी किसान देख सकते हैं कि पाइपर बुल ये भी काफी बेहतरीन बुल है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट, इसका कलर पैटर्न आप देखिए, कलर पैटर्न काफी सुंदर है। इसका देखा जाए तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना सुंदर और बेहतरीन बुल है। उसकी बैकलाइन आप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी बैकलाइन है, टॉप लाइन जो है। बट फिनोटिपिक कैरेक्टर के साथ साथ में अगर इसकी जेनेटिक्स की बात करेंगे तो इसके जेनेटिक्स में इसका जो माँ का दूध प्रोडक्शन है ये 13,200 की लीटर से ज्यादा है, और इसके साथ साथ में इसका फैट परसेंटेज जाता है 4% से ज्यादा। बिल्कुल बढ़िया, तो 4% से ऊपर 13,000 लीटर मिलने के बाद में भी 4% से ज्यादा। हाँ, और इसके साथ साथ में जब मैंने जेनेटिक्स से बात किया तो इसकी रिलायबिलिटी जाती है 83% से ज्यादा ये अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है अपने बच्चियों में, और काफ़ी सुंदर बच्चियाँ पैदा करते हैं। इससे पहले इसने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे फील्ड पे, इतनी सारी बछड़ियाँ इसकी पैदा हुई है आज तक, और काफ़ी डिमांडिंग है सब बुल है, और देखा जाता है कि इनकी जो बच्चियाँ होती है काफ़ी अच्छी ग्रो करती है, समय से वो हीट पे आती है, समय से कंस्यूम होती है और बढ़िया से दूध में आ जाती है। और ये एक अदर इम्प्रूवमेंट के हिसाब से भी ये बुल का बिल्कुल क्योंकि इसके जो कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है, वो आने वाली बच्चियों में जो अदर होता है, जो थान होते हैं, वो बहुत ही बढ़िया इंप्रूव कराता है, इसका अटैचमेंट अच्छा करवाता है, ताकि सामने जाके जो मस्टाइटिस के इशू होते हैं, जो थान लटक जाते हैं या फिर कुछ उनके टीट्स में प्रॉब्लम आती है, वो कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और उससे दूध का प्रमाण भी अच्छा रहता है और ये मस्टाइटिस वाले इशूज़ भी काफ़ी कम हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका बॉडी कलर आप देखोगे तो वाइट ज़्यादा है, जो कि बहुत बेहतर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, शाइनिंग, बिल्कुल शाइनिंग लग रहा है, बहुत सुंदर दिखता है ये। ये देख रहा हूँ तो अभी एकदम सिल्की लग रहा है। जी हाँ, इसका जो बीटा केसिन टेस्टिंग ये A2 टाइप का है, तो इसकी जो बच्चियाँ होगी वो सारी की सारी A2 दूध बनाएगी, इसमें कोई भी कोई शक नहीं है। और ये मैंने जैसे पहले भी बोला है कि इसका इसका प्रोडक्शन काफ़ी बूस्ट करता है ये आने वाली बच्चियों के अंदर में, और कंसेप्शन रेट अगर देखा जाए तो आने वाली जो बच्चियाँ होगी इससे उनमें कंसेप्शन रेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब आप वो सही समय से वो आएगी हीट के अंदर में और उनमें कंसीव होना काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल, सो ये काफ़ी बढ़िया बुल है पाइपर, और मुझे आशा है कि किसान भाइयों को भी ये बहुत पसंद आया होगा, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हर जगह से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के हर जगह से हमें पाइपर की डिमांड काफ़ी आती है, हमें काफ़ी किसान भाई लोग पूछते हैं और हम लोग हमेशा उनकी फुलफ़िल जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी बेहतरीन तरीके से फुलफ़िल करते हैं। ये आपको कन्वेंशनल में भी मिलता है और आपको ये सेक्सी मैन में भी मिलता है, ये अवेलेबल है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, एक तो ये बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा है, बाकी जो बुल है काफ़ी ठहराव है इस बुल में, और आप जैसे मैं जिस तरीके से इसके कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितना क्लोजली मैं इसको जानता हूँ, तो इसकी सीमेन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं काफ़ी सही तरीके से इसका सीमेन प्रोसेस होता है, तो इसीलिए ये फर्टिलिटी के लिए माना जाता है, काफ़ी अच्छा कंसेप्शन भी आता है इसका, और साथ साथ में इसके जो मैंने डॉटर्स की बात की थी, डॉटर जब बड़ी होती है वो भी बेहतरीन तरीके से कंस्यूम होती है, तो डॉटर परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन बुल है ये, और मैं आपकी सिलेक्शन की दाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेड बुल है वो हमारे किसानों के लिए चुन के लाया।